हमें इस वक्त एक इंतहाई संगीन मसला दरपेश है। दहशतगर्द इस्लाम और शरीयत की गलत तशरीह करके बदअमनी, फसाद और दहशत फैला रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये इस्लामी तालीमात पर अमल करना तो दूर, ये मुसलमान भी नहीं हैं, बल्कि ये वो गैर मुस्लिम हैं जो बाल दाढ़ी बढ़ाकर जाहिरी वजाकता में मुसलमान बनकर आलम इस्लाम को तबाह करने की साजिश कर रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक मारे गए ख्वारिज की लाश की इब्तदाई जांच पड़ताल के नतीजे में ये बात सामने आई है कि इसका खतना इस्लामी रवायात के मुताबिक नहीं हुआ। ये एक वाज़े इशारा है कि ये मुजाहिदीन नहीं बल्कि कुफार के आलाकार और फसादी हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि ये दहशतगर्द जिनकी सोच और अमल इस्लाम की बुनियादों के खिलाफ हैं, हमारे माशरे में बदमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि ये लोग सिर्फ अपने मफादात के लिए दीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें समझना होगा कि वो ना सिर्फ मुसलमानों की जानें ले रहे हैं बल्कि इस्लाम का नाम बदनाम भी कर रहे हैं। ये अफराद दरअसल गैर मुल्की एजेंट हैं जो हमारे मुल्क को गैर मुस्तहकम करने और मुसलमान भाईचारे को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इस वीडियो को आम करने की ज़रूरत है ताकि लोग इनकी हकीकत जान सकें। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि हम इन दहशतगर्दों की हकीकत को बेनकाब करेंगे और इस्लाम की हकीकी तालीमात को फैलाने की कोशिश करेंगे। इस्लाम अम, मोहब्बत और भाईचारे का मज़हब है और हमें इसकी सच्ची रूह को उजागर करने की ज़रूरत है।